धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं ईवा जावेद और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है। इस रोशनी के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसको लोग छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन भी घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। आइए आपको आज बताते हैं कि छोटी दिवाली मनाने के पीछे क्या कारण है। मान्यता है कि छोटी दिवाली के दिन यमराज का पूजन करने से तथा व्रत रखने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इस दिन यमराज से प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा से हमें नरक के भय से मुक्ति मिले। इस दिन राम भक्त हनुमान का भी जन्म हुआ था और इसी दिन वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हुए 3 लोगों सहित बलि के शरीर को भी अपने 3 पगों में नाप लिया था। छोटी दिवाली के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरक असुर राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक असुर का वध किसी स्त्री के हाथों ही लिखा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथा बनाकर नरक असुर का वध किया था। नरक असुर का वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया था। नरक असुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगढ़ व पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने ये पर्व मनाया और तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। नरक चतुर्दशी का संबंध स्वच्छता से भी है। इस दिन लोग अपने घरों को कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व तेल एवं उपटम लगाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।